Все, пойдем сюда. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। संबित पात्रा ने नामांकन दाखिल करने से पहले पुरी में रोड शो किया। इस रोड शो में भारी संख्या में उनके समर्थक भी जुटे। संबित पात्रा को जनता का बेहद प्यार मिल रहा है। उनके रोड शो में झूमते नाचते हुए लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की। इसी के साथ भाजपा नेता संबित पात्रा भी खुशी से थिरकते हुए नजर आए। इस रोड शो के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि ये मेरे लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी के लिए प्यार है। महाप्रभु जी का मंदिर सामने दिख रहा है, जगन्नाथ जी का, और अब देखिए सामने में लाखों से तादाद में लोग आज मौजूद हैं। ये हमारा नॉमिनेशन चल रहा है, स्वाभाविक रूप से ये मेरे लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी के लिए प्यार है। लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार है, लोगों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आस्था है, गरीब कल्याण योजना के प्रति जो सम्मान है, उस सम्मान को आज लोग लाखों की तादाद में पूरी में आकर के दर्शा रहे हैं। पूरी में भी इस बार भाजपा की जीत होगी और उड़ीसा में भी इस बार भाजपा की जीत होगी। संबित पात्रा ने नामांकन दाखिल करने से पहले पुरी में रोड शो किया। इस रोड शो में भारी संख्या में उनके समर्थक भी जुटे। संबित पात्रा को जनता का बेहद प्यार मिल रहा है। उनके रोड शो में झूमते नाचते हुए लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की। इसी के साथ भाजपा नेता संबित पात्रा भी खुशी से थिरकते हुए नजर आए। इस रोड शो के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि ये मेरे लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी के लिए प्यार है। महाप्रभु जी का मंदिर सामने दिख रहा है, जगन्नाथ जी का, और अब देखिए सामने में लाखों से तादाद में लोग आज मौजूद हैं। ये हमारा नॉमिनेशन चल रहा है, स्वाभाविक रूप से ये मेरे लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी के लिए प्यार है। लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार है, लोगों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आस्था है, गरीब कल्याण योजना के प्रति जो सम्मान है, उस सम्मान को आज लोग लाखों की तादाद में पूरी में आकर के दर्शा रहे हैं। पूरी में भी इस बार भाजपा की जीत होगी और उड़ीसा में भी इस बार भाजपा की जीत होगी।